वार्ड 22 का ये नगटा तालाब एक लंबे समय से अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहा था, जिस पर वैशाली नगर विधायक ऋषिकेश सेन की नजर पड़ी और उन्होंने अपनी निधि से इस तालाब का कायाकल्प करवा दिया, जिससे उत्तर भारतीयों के आने वाले छठ पर्व के लिए ये तालाब बिल्कुल तैयार हो गया है। वार्ड 22 कुरुत का यह नगटा तालाब जो आज खूबसूरत दिखने लगा है, यह सब वार्ड 22 के विधायक प्रतिनिधि की मांग पर संभव हो पाया है। उन्होंने विधायक ऋषिकेश सेन से मांग की थी कि सामने उत्तर भारतीयों का मुख्य त्यौहार छठ पर्व आने वाला है और यह नगटा तालाब छठ तालाब के नाम से भी पहचाना जाता है, जिसे संज्ञान में लेते हुए विधायक ऋषिकेश सेन ने तत्काल अपनी निधि से 20 लाख रुपए देकर तालाब के दो तरफ पेवर ब्लॉक लगवाया और तालाबों के चारों तरफ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी करवाई। उत्तर भारतीयों ने इस विकास कार्य को लेकर विधायक ऋषिकेश सेन का आभार व्यक्त किया है। विधायक ऋषिकेश सेन इस वार्ड के अन्य तालाबों का भी उन्नयन कार्य करवाने की घोषणा की है, जिसे विधायक प्रतिनिधि द्वारा अपनी देखरेख में करवाया जाएगा। वहीं वार्ड के पार्षद पति अजय साहू ने बताया कि वार्ड वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है और इसके साथ विधायक महोदय से निवेदन करते हैं कि वार्ड के अन्य तालाबों का भी उन्नयन कार्य जल्द से जल्द करवा कर वार्ड वासियों को सहूलियत प्रदान करें। ये इसके पीछे काफ़ी जनता लोग का जनमानस का भी इसमें सहयोग रहा है और हमारा तो प्रयास निरंतर नगटा तालाब का ही नहीं, प्रॉपर हमारे माँ शीतला तालाब है और ढौर तालाब है, ये नगटा तालाब है और जो हमारा घासीदास नगर का भी तालाब है जिसमें वहाँ भी छठ का पर्व मनाया जाता है। तो जहाँ मैं इस एक व्यक्ति त्यौहार के ये से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारे जो तालाब है पूर्वजों के समय से एक गौरवान्वित है, जिसमें इसको सबसे पहले तो उपयोग जो है इसको जो निस्तारी के रूप में जो किया जाता है वो सबसे पहले मायने रखता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जहाँ भी तालाबें हैं आज जो गांव जो है शहर में बदल गया है, शहर में बदलने के बाद वो जो तालाब की स्थिति जो बिगड़ी हुई है वो बहुत दयनीय है और लोगों का आस्था जो है तालाब से हट रहा है। लेकिन इस चीज़ को शासन से हम निवेदन करते हैं कि जो हमारे जो तालाब है हमारे गांव में आज भी जो है इससे काफ़ी चीज़ें जो है सेफली रहता है, जैसे कहा जाए कि तालाब भरा रहता है तो यहाँ पे जैसे बोरे हैं, बोरे का वाटर लेवल बना रहता है ना, और हमारा आस्था है, जैसे कोई भी हमारे बुजुर्ग या कुछ भी अचानक से घटनाएं हो जाती हैं, जो दसगात्र कार्यक्रम वगैरह होता है तो वो तालाबों पर ही किया जाता है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए पूरे तालाबों का एक हमारे पूरे वार्ड 22 के तालाबों का मांग हमेशा रहा है और इसी विषय में हमारे विधायक जी ने एक हमारे जो प्रथम जो है नगटा तालाब पे उन्होंने ध्यान दिया है और हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम उनसे और निवेदन करते हैं कि हमारी माँ शीतला तालाब जो है उसको भी और अन्य भी जो तालाबें हैं जो उसमें की व्यवस्था है उसको भी अच्छे की बनाने की कृपा करेंगे, ताकि हम जो उनके द्वारा कहा जाता है कि कुरुत को एक आदर्श ग्राम बनाऊंगा, वो एक उनका जो कहे कथन जो है वो सत्य साबित हो सके। मैं 92 से यहाँ पे छठ पूजा मात्र 4 लोग थे जब से शुरुआत हुआ, बहुत प्रयास किया विपक्ष पिछली सरकारों ने कि इस तालाब का सुंदरीकरण हो, लेकिन एक भसीन जी थे जो सिर्फ 48 लाख रुपए दिए थे जिसे प्रचरीकरण कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरी सरकारों ने कोई भी इस तालाब के विषय पर नहीं सोचा, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। अब हमारे वैशाली नगर के विधायक ऋषिकेश सेन जी बनने के पश्चात मेरा एक सूत्र ही काम था कि उनके पीछे पड़ के कि सर इस तालाब को उद्धार कीजिए। उन्होंने मुझे इस तालाब को सुंदरीकरण के लिए 20 लाख रुपया दिया, जिससे मैं अभी तालाब की सफाई कराया हूँ और लाइट लगा है, चेकर टाइल्स लगा है। आगे विधायक जी ने कहा है जो भी इसमें फंड लगेगा मैं पूरा करूँगा, इस तालाब का उद्धार करूँगा। एक लंबे समय से अपनी बदहाली झेल रहे इस तालाब के उन्नयन कार्य प्रारंभ होने से यह तो साफ हो गया है कि अब इस तालाब का कायाकल्प पूरी तरह से हो जाएगा और इस वार्ड सहित पूरे वैशाली नगर विधानसभा में जितने भी तालाब हैं सभी अपनी एक नई तस्वीर के साथ पहचाने जाएंगे। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।